हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स में। और अभी ना टाइम हो रहा है इवनिंग का, और पता नहीं कैसे अजीब से दिन लग रहे हैं और बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगता है। तबीयत भी नहीं सही लगती है, कुछ काम करने का भी मन नहीं होता है बिल्कुल भी। और अभी मैं आंगन में बैठी हुई हूँ, ये देखिए, कमरों में तो बिल्कुल बैठने की इच्छा नहीं हो रही है। गर्मी नहीं पड़ रही है इतनी ज्यादा जैसे हर बार गर्मी होती थी, उस हिसाब से गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बट अजीब सा मन हो रहा है चारों तरफ का सुन सुन के, और वही सब दिमाग में घूमता रहता है ना, तो इतनी उलझन हो रही है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। आज तो ना अपना ही घर खाने को दौड़ रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। और बैठी हुई थी और हस्बैंड और बेटे हैं नहीं, कुछ जरूरी काम से गए हुए हैं, तो अकेली हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आजकल ना बाहर का कुछ खा पी पा रहे हैं और ना ही मंगा सकते हैं, और खाना भी नहीं चाहिए ऐसे में बाहर का कुछ भी, क्योंकि आजकल कुछ भी सेफ नहीं है। और मैं ना ये सब चीजें सुन सुन के, सबका किसी के यहाँ ये हो रहा है, किसी के यहाँ वो हो रहा है, चारों तरफ ना मेरा मन इतना ज्यादा वैसा हो रहा है, इतनी उलझन हो रही मुझे, इतनी टेंशन हो रही है। अब बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:47 हो रहा है अभी, तो मैंने सोचा लाइए आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ, थोड़ा अपना दिमाग फ्रेश कर लूँ। और तब से ना वही सब सोच सोच के, और आजकल घर से भी कहीं निकलना नहीं हो रहा। वैसे मैं मॉर्निंग वॉकिंग पे चली जाती थी, और तो थोड़ा सा ना घंटे भर को निकल जाती थी मॉर्निंग में टहलने के लिए, अब वो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो दिन भर बस घर के अंदर वही रहता है ना, शरीर अजीब सा सर चकराने लगता है। और घर तो काफी बड़ा है, खुला भी है, बट एक बार घर से बाहर निकल लो ना, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर लो तो थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है काफी। बट अभी तो डर की वजह से मैं बिल्कुल निकल भी नहीं रही हूँ। पिछली बार तो मैं खूब गई वॉकिंग करने, बट इस बार बिल्कुल मन नहीं हो रहा। और ना मैं ट्राइपॉड लेके वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ से ही फोन पकड़ी हूँ, तो बार बार एक हाथ से पकड़ती हूँ, फिर दूसरे हाथ से पकड़ती, यही कर रही हूँ, इसीलिए फोन की स्क्रीन थोड़ी सी हिल रही होगी। तो चलिए अभी बातें क्या करूँ, ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक मेरा दिमाग और मन शांत नहीं होगा ना, तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और अभी ना मुझे आज अप्पे खाने का बहुत मन हो रहा है। एक्चुअली 15-20 दिन से मैं रोज सोचती हूँ कि मुझे अप्पे बनाने हैं, अप्पे बनाने हैं, बट आकर्षित नहीं खाता है अप्पे, उसको ना प्लेन अच्छे लगते हैं, और वो प्याज वगैरह कट करके डाल दो तो वो फिर नहीं खाता है। और ऐसे खा लेगा, अगर बना लो तो खा लेगा, लेकिन अगर हम सोचे बनाने जाएं तो बनाने नहीं देगा। ये नहीं बनाओ इडली बना दो, आकर्षित को इडली बहुत पसंद है, इडली हम लोगों को भी बहुत पसंद है, बट ना अप्पे थोड़ा इजी लगते हैं, इडली से मुझे अप्पे इजी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। दीनी वाला श्याम प्रभु और भला कोई क्या देगा। तो फ्रिज से थोड़ी सी सब्जियां निकाल लेती हूँ जो भी चाहिए मुझे अप्पे के लिए। वैसे तो ना मेरा मन शिमला मिर्च डालने का नहीं है, और ये पीछे मास्क टंगे हुए, क्योंकि आजकल ना मेरे घर में क्या हर जगह आपको इतने ज्यादा मास्क मिलेंगे, इतने ज्यादा, और जो एक बार का लगाया होता है ना तो वो दोबारा में नहीं लगाना होता है। फिर जो वॉश करने वाले हैं ना उनको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही देती हूँ यूज के लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए हस्बैंड के लिए सुबह से लेकर शाम तक 5-6 मास्क निकालने होते हैं, और फिर उनको वॉश कर देती हूँ, जो वॉशेबल है उनको वॉश कर देती हूँ, बाकी यूज एंड थ्रो। और मेरे तो अप्पे बनाने के लिए मैंने ये लगभग 1 कटोरी सूजी ले ली है। और वैसे तो मैं पहले अपने वीडियो में अप्पे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया है, और ये लगभग 1 कटोरी सूजी है, और खट्टा दही, और ये वेजिटेबल्स हैं, और अभी मुझे प्याज भी चाहिए है। तो पहले मैं सूजी को भिगो दूंगी, उसके बाद में मैं इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स कट करूंगी। क्या
आज कुछ अलग सा खाने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा चलो अप्पे ही बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से अप्पे अप्पे का मन हो रहा था, तो आज अप्पे ही बना रही हूँ फाइनली मैं। और इसमें खट्टा दही ले लेंगे, ये दही खट्टा है तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा खट्टा खट्टा से हो जाएगा। बस इतना सा दही लेंगे, दही को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद पानी की हेल्प से इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है, क्योंकि अभी सूजी फूलेगी ना तो बैटर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का बैटर बनाना है ताकि ये फूलने के बाद में बिल्कुल भी गाढ़ा ना हो और परफेक्ट बैटर तैयार हो जाए। और अभी हम अप्पे के लिए सब्जियाँ कट कर लेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक सब्जियाँ चॉप करनी है हमको। तो देखिए सब्जी हमारी पूरी कट चुकी है अच्छे से, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर और प्याज, बाकी सब्जियां हटा देंगे। और अभी बैटर को चेक कर लेते हैं, फिलहाल अभी आधे घंटे नहीं हुए हैं। देखिए मैंने कहा था ना ये रखे रखे और भी गाढ़ा हो जाएगा, ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो देखिए मैंने सूजी में सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं और नमक भी ऐड कर दिया है। और मैंने कैमरा ऑन किया था बट मुझे याद ही नहीं था, सही से ऑन नहीं हो पाया कैमरा, इस वजह से ये वाली क्लिप रह गई। और इसमें मैंने सब्जी और नमक ऐड कर दिया है, अच्छा हो गया है। जब तक सूजी मेरी अच्छे से फूलेगी ना तब तक मैं थोड़ा सा दियाबाती कर लूँ शाम की, और उसके बाद मैं अप्पे की रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और बताऊंगी आप लोगों को कि आज कौन सा नया ट्विस्ट है अप्पे में मैं लाने वाली हूँ। जो और शाम की दियाबाती मैंने कर ली है और आप देख सकते हैं। और कान्हा जी से भी आज आप लोग मिल लीजिए, क्योंकि काफी दिन हो गए मैंने कान्हा जी से आप लोगों को नहीं मिलवाया है। और कान्हा जी आज ये वाली ड्रेस पहने हुए हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, छोटो सो है प्यारो सो मेरा लल्ला करे कमाल। एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा आता है और काफी सारे लोग करते हैं कि आपका जो मंदिर है ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, और ये जो मंदिर की जो तोरण है ऊपर ना ये भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये ना ये जो तोरण है ना ये मैंने अपनी देवरानी से बनवाई हुई थी, मेरी देवरानी का बिजनेस है और मैं अपने मंदिर को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, सजा के रखती हूँ, क्योंकि एक मंदिर ही ऐसी जगह होती है ना जिसको देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा शांति मिलती है। सभी लोगों का थैंक यू, मेरे मंदिर के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग। और मैं अपने मंदिर की बहुत देखभाल करती हूँ, बहुत अच्छे से साफ सफाई करती हूँ पूरे मंदिर की। और अभी जब दिवाली आएगी ना तो मैं मंदिर का डेकोरेशन फिर से चेंज कर दूंगी, मैं हर बार अपने मंदिर का डेकोरेशन चेंज कर देती हूँ। तो देखिए सूजी का जो बैटर है कितने अच्छे से सूजी फूल चुकी है ये देखिए। और इस तरह का हमको बैटर चाहिए है अप्पे बनाने के लिए, इस तरह का। देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको ऑयलिंग कर लिया है। और अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पोहे वाली राई होती है मकर राई, इसके कुछ दाने इस तरह से इसमें डालेंगे हर खाने में, और बहुत अच्छे अप्पे इस तरह से बनते हैं। और ये रहे करी पत्ते, तो एक एक करके करी पत्ते भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने एक एक करी पत्ते की लीव्स इस तरह से रख दी है। और अप्पे का जो बैटर हमने बनाया था अब हम सारे खानों में इस तरह से फिल कर देंगे। और ये इस तरह से जो अप्पे बनाते हैं ना बहुत टेस्टी लगते हैं, इसमें जो राई का जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। बैटर अच्छे से फिल करने के बाद में इसको अच्छे से ऑयल ऊपर हल्का हल्का सा लगा देंगे और फिर इसको अच्छे से कवर कर देंगे।
2 मिनट बाद हमने अप्पे चेक किए तो देखिए एक तरफ से अप्पे बहुत अच्छे से सिक गए हैं, बहुत अच्छी सेक हो गई है एक तरफ से, और बहुत इजीली तरीके से ये उड़ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हल्का सा टच कीजिए और अप्पे एकदम से उड़ जाते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे अप्पे पलट लूँगी, सारे अप्पे पलटने के बाद में इसमें फिर से ऑयल अच्छे से लगा लेंगे। हल्का हल्का सा ऑयल टच करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और ऑयल करने के बाद लगाने के बाद में इसको अच्छे से कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए फिर से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए कितने अच्छे से अप्पे हमारे सिक चुके हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए स्टिक बिल्कुल साफ निकल रही है, अप्पे मेरे बहुत अच्छे से बन गए हैं। तो और ये देखिए कितने यम्मी से अप्पे बने हैं, तो ये देखिए कितने यम्मी से अप्पे बने हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए खा के बताते हैं कैसे बने हैं। और ये देखिए अप्पे, तो आप लोग भी खा लीजिए अप्पे और बताइए खा के कैसे बने हैं। फिलहाल आप लोग तो खा नहीं सकते हैं तो मैं ही खा के बताती हूँ कि कैसे बने हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से अंदर सिक चुके हैं, ये देखिए, और मैंने आज प्याज वाली चटनी बनाई थी, प्याज और पुदीने वाली, बहुत टेस्टी लगती है, उसके साथ में खा रही हूँ। बहुत टेस्टी बने हैं, जब कुछ चटपटा खाने का मन हो ना और कोई चीज समझ में ना आ रही हो, घर में सूजी रखी हो और सब्जियां भी सारी ना हो, सिर्फ प्याज और गाजर हो, टमाटर हो, प्याज और टमाटर हो सिर्फ, तो भी बहुत ही अच्छे अप्पे बनते हैं। और इसमें ये जो राई का तड़का लगाया हुआ था ना, बहुत अच्छा टेस्ट आया हुआ है। तो चलिए पहले मैं अप्पे एंजॉय कर लेती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से बातें। तो अप्पे मैं खा चुकी हूँ और अब आई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगी क्योंकि बातें मुझे समझ में ही नहीं आ रही क्या बातें करूँ आप लोगों से, और मेरे हेयर है ना तो मैं इनको कभी भी कलर नहीं करती हूँ, और कभी कोई पार्टी फंक्शन होता है ना तो इस पे मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ बस, और कलर नहीं करती हूँ मैं, कभी भी कलर नहीं करती हूँ। बस एक बात कहनी थी, काफी सारे लोग हैं तो कमेंट में अपनी लिंक छोड़ जाते हैं, यहाँ तक कि इंस्टा पे आते हैं ना तो फोर्स करते हैं बहुत ज्यादा कि प्लीज मेरी एलबी में आ जाइए, मेरी एलबी में आ जाइए। तो यार प्लीज आप लोग समझिए ना कि इतनी बुरी सिचुएशन चल रही है, हर घर में प्रॉब्लम चल रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, हाउस हेल्पर भी नहीं इस समय आ रही है, सबको मना कर रखा है, घर के काम इतने हो रहे हैं, नेट भी एक लिमिट में है क्योंकि बच्चे की भी ऑनलाइन क्लासे होती हैं, उस अपने इतने सारे काम होते हैं और लोगों की वीडियो भी देखनी होती है। अब इतना पॉसिबल नहीं है कि आपकी वीडियो भी वॉच करूं फिर आपकी एलवी में भी आऊं, क्योंकि हम लोग खुद इतना थक जाते हैं, बात आने की नहीं है, हम लोग खुद में इतना पजल्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा थक जाते हैं कि आंखें भी दुखने लगती हैं। अब इधर आप देख सकते हैं मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी सही हुई है क्योंकि मैं टाइमली सोने लगी हूँ और टाइम से मेरी जागती हूँ तो मेरी नींद पूरी होने लगी, तो आप देख सकते हैं मेरी आंखें काफी हद तक सही हो गई हैं, वरना आप लोग खुद मुझे कमेंट करते थे कि दीदी आपकी आंखें कितनी ज्यादा वैसी हो गई हैं, बहुत ज्यादा डार्क सर्किल हो रहे हैं, अब तो मैं काफी हद तक ठीक हो गई हूँ। तो देखिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है सबके साथ में, और हम लोग के घर के काम भी इतने ज्यादा होते हैं, लोगों की वीडियो रहती है तो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, और एक नहीं कितनी रिक्वेस्ट पड़ी रहती है कि प्लीज मेरी एलबी में आइए, मेरी लाइव में आइए, नहीं हो पा रहा है यार। मेरी जब लाइव होगी ना तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी कि आप लोग मेरी एलबी में आओ, वो आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगी। आप लोग अपने काम करते जाइए, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा, आप लोग मेहनत कीजिए,
फल जरूर मिलेगा आप लोगों को आपकी मेहनत का। किसी को फोर्स मत कीजिए, बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि आजकल हर इंसान परेशान है, रिलेशन में सबके संग कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है, घर परिवार में प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, खुद के घर में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो किसी पे भी इतना टाइम नहीं है कि एलवी ज्वाइन कर सके। और मेरा तो पता है वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है, इतना ज्यादा थक जाती हूँ, वीडियो भी नहीं मैं प्रॉपरली बना पा रही हूँ। कल देखिए मैंने छोटी सी रेसिपी शेयर कर दी थी दाल टिकिया की, और आज मैं इस तरीके से, क्योंकि मेरा मन बहुत उब रहा था तो आप लोगों से मैंने थोड़ी सी बातें कर ली, तो अब थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, अदरवाइज बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, घर के काम करके ही थक जाते हैं, तो अब लापरवाही नहीं हो पाएगी। तो प्लीज आप लोग इतना ज्यादा फोर्स मत कीजिए, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। तो चलिए फिर, आई होप आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो मैं बार बार कह रही हूँ उसको भी, उस बात पे भी गौर कर रहे होंगे। फिलहाल तो हर इंसान अपनी सेफ्टी करता है, अपनी केयर करता है, फिर भी कहना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं ना, तो शायद मेरी बात सुन सुनकर थोड़ा सा तो गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, अब पे रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी लोगों का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाऊं, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो चलिए फिर, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, और राधे राधे, जय श्री राधे।